दीपावली से पहले अवैध पटाखा बेचने वालों पर दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए बहरोड पुलिस ने बुधवार को करीब 2.5 लाख रुपए के पटाखों का स्टॉक जब्त कर अवैध भंडारण का मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि डीएसपी महावीर सिंह शेखावत के निर्देश पर मानपुरा मोहल्ले में शनिदेव मंदिर के समीप रहने वाले व्यापारी केशव पुत्र निहालचंद महाजन के यहाँ छापामार कार्यवाही की गई। केशव ने घनश्याम सेन के मकान में कमरा किराए पर लेकर पटाखों का अवैध स्टॉक कर रखा था। इसमें माचिस के बॉक्स, गैस सिलेंडर तथा पटाखे भी भरे हुए मिले। दूसरी कार्यवाही नैनसुख मोहल्ले में ग्यारसी पुत्र बुद्धराम दर्जी के मकान पर की गई। यहाँ भी एक कमरे में पटाखा स्टॉक किया हुआ था। व्यापारी केशव के यहाँ एएसआई मुकेश सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल जनार्दन तथा महिला सिपाही सुषमा ने कार्यवाही कर 39 कॉटन विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इनकी बाजार कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई है, जबकि ग्यारसी राम के यहाँ से हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार जाखड़, सिपाही श्यामलाल व गिराज ने 27 कार्टून में रखे करीब 1 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। दोनों व्यापारियों से मिले पटाखों को जब्त किया तथा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि एनसीआर में विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण को लेकर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत आज मानपुरा मोहल्ले में कार्रवाई की गई। अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कुछ समय बाद पता पड़ेगा कितनी मात्रा के पटाखे।